टू ऑल ऑफ यू, आज हम देखेंगे कि क्लासरूम लाइव में ऐप में कैसे आपको अपने लेक्चर्स, नोट्स, प्रेजेंटेशन एंड बच्चों के लिए जो भी आप वर्कशीट्स देना चाहते हैं, असाइनमेंट डालना चाहते हैं, तो कैसे इसमें हमने करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए 5 टैब्स नजर आ रहे हैं ऊपर। सबसे पहला है लाइव क्लासरूम, उसके बाद सेकेंड वाला है टीचिंग रिसोर्सेज। आप मेरा कर्सर देखेंगे, जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त, टीचिंग रिसोर्सेज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लासरूम लाइव ऐप। ऑलराइट, तो टीचिंग रिसोर्सेज में आपको मिलेंगे ये चार ऑप्शंस, पांच ऑप्शंस: प्रेजेंटेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, वर्कशीट्स एंड असाइनमेंट। 5 ऑप्शंस अवेलेबल ऑन टीचिंग रिसोर्स मेन्यू। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा प्रेजेंटेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, मैं आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर में पहले बताऊंगी कि क्या आप इसमें लिख सकते हो या इसमें एंट्री कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अपने जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको, उनके लिंक्स यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो, अब आपने क्या किया, टीचिंग रिसोर्स सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर सिलेक्ट किया, देन यू गो टू द राइट हैंड साइड एंड यू सी दिस, लेट मी जूम दिस फॉर यू, this is a create new option. so if you click on this create new option, यहाँ पे आपको चार options दिखेंगे drop down list में। can you see this, presentation, recorded lecture, notes and worksheets, आपको ये options यहाँ पर भी दिखेंगे। तो create new के बाद अगर आप presentation, यहाँ पे कोई PPT आपने बनाई है कुछ, वो बच्चों को आप present यहाँ पर बच्चे उनको देख लें, और एक कोई रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसको वो फॉलो कर लें आपके स्टूडेंट्स, कोई नोट्स आप डालना चाहते हो वो नोट्स से हो जाएगा, वर्कशीट्स हो जाएंगी। तो मैं आपको पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे क्लिक करके दिखाती हूँ। अब मैंने जैसे ही रिकॉर्डेड लेक्चर पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर आएगा सबसे पहला आपको क्लास एंटर करनी है। सी दिस, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सी क्लास आपको यहाँ पर शो करनी है, मतलब किस क्लास के लिए आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि आपको कुछ भी मैन्युअली अभी टाइप नहीं करना है क्लास और सब्जेक्ट में। आपको क्या करना है, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है इसी में से आपको आपकी क्लासेस आ रही होंगी ऑलरेडी जो आप पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, सपोज मैं यहाँ पे 9 क्लास पढ़ाती हूँ तो मैं यहीं से चूज करूंगी 9। आपको यहाँ कुछ टाइप नहीं करना है, यू हैव टू गो टू दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सिलेक्ट योर क्लास। उसके बाद सब्जेक्ट पे आएंगे, सब्जेक्ट भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये आपको छोटी सी एरो नजर आएगी, इस एरो को कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये लिस्ट आ जाएगी, इसमें जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं सपोज AI पढ़ाती हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैंने AI क्लिप पे क्लिक कर लिया है, ये मेरा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद अब कई बार क्या होगा कि यूनिट यहाँ पे आपका अगर नहीं दिया होगा ड्रॉप डाउन में, जैसा कि मेरा नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे पहले टाइप करूंगी। ध्यान से ये वाला स्टेप देखेंगे, सपोज मेरा यूनिट है पाइथन या प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, जैसे आप टाइप करोगे ना, यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगा नीचे की तरफ लिस्ट में, तो आपको यहाँ पे कोई एंटर की या कुछ नहीं करना है, आपको जो नीचे लिखा हुआ है ना टीचर्स, उस पर क्लिक करना है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपकी लिस्ट में ऐड हो रहा है, तो इस पे मैं टच करूंगी, क्लिक करूंगी, तो ही मेरे को ये, मेरा ये प्रोग्रामिंग इन पाइथन यूनिट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आपको इसी तरह लिख कर एंटर नहीं करना है, जब आप ये लिखोगे तो यहाँ ऑलरेडी आएगा नीचे लिखा हुआ, तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डे आ जाएगा, डे की ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप कोई भी डे सिलेक्ट कर लीजिए, 1 सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं, सिलेक्ट आपको ड्रॉप डाउन से ही करना है, यूनिट का नाम नहीं आ रहा है टाइप कीजिए और फिर उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब टाइटल में आपको टाइप करना पड़ेगा, एटलीस्ट सॉरी मैक्सिमम 40 लेटर्स का होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो आप देख सकते हो ये मेरा 40 करेक्टर्स से कम है, यानी 38 करेक्टर्स मैंने यहाँ पे डाले हैं लेटर्स, अल्फाबेट्स। ठीक है, तो 40 से कम होने चाहिए आपके। ये पूछेगा आपसे, नीचे जाएंगे तो URL क्या है, आपका जो YouTube का लिंक है जहाँ पे आपने रिकॉर्डेड
वीडियो जो आपने अगर कोई यूट्यूब चैनल है आपका उस पे अपलोड किया हुआ है उसका आप लिंक यहाँ देना चाहते हो, या आप चाहते हो कि कोई भी बच्चे आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो यूट्यूब का कोई लिंक यहाँ पर आप उनको दिखाना चाहते हो, कोई वीडियो ऐसा है आपके कोर्स से रिलेटेड सिलेबस से, तो मैं एक्चुअली मेरा तो चैनल है तो मैं यहाँ पर जाकर एक बार सर्च करके अपने जो यूट्यूब का पाइथन प्रोग्रामिंग का है वो मैं लिंक यहाँ पे पोस्ट करूँगी अभी। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में पार्ट वन है मेरा, पार्ट टू भी है, तो मैं इसी का लिंक अपने क्लासरूम लाइव पर ऐप पर पोस्ट करूंगी। तो मैंने यहाँ से पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट वन ले लिया है और फिर मैं यहाँ पर वापस जाकर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगी लिंक को, तो आप देख सकते हैं। और फिर शो प्रीव्यू करेंगे, शो प्रीव्यू के बाद ये आपको प्रीव्यू दिखा देगा आपके जो भी आपने यूआरएल वीडियो डाला होगा। उसके बाद यहाँ डन का ऑप्शन है नीचे ब्लू कलर, आप डन कर दोगे और फिर यहाँ पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा, देखो ठीक है। यहाँ आपको टॉप पे राइट हैंड साइड ये पब्लिश है, पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। अब देखो पब्लिश भी आ गया है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा देखो पब्लिश यूट्यूब वीडियो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये टाइटल देखो आपका आ गया, आपने जो टाइटल डाला था ठीक है, आपका ये यूनिट का नाम आ गया प्रोग्रामिंग इन पाइथन और 9th क्लास AI। सिलेक्टेड सेक्शंस, मेरे दोनों सेक्शन सिलेक्टेड है 9th में, और फिर मैं इसको कंफर्म कर दूंगी। कंफर्म करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर, वेट करते हैं, कंफर्म करेंगे और उसके बाद हम इसको 9th क्लास में जाकर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये क्लास का ऑप्शन देख रहे हो, इसमें से आपको क्लास सिलेक्ट करनी है। मैंने 9th सेल सिलेक्ट करी तो आपने देखा कि यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये पूरा शो कर रहा है मेरा वीडियो, तो बच्चों को भी इसी तरह से वहां पे दिखेगा कि मैम ने हमारे लिए किस तरह का लिंक डाला है टू वॉच रिलेटेड टू द कोर्स। ओके, तो इस तरह से आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को यहाँ पे डाल सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि हम प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फिर से क्रिएट न्यू पर जाना है, राइट हैंड साइड पर क्रिएट न्यू पर फिर से प्रेजेंटेशन पे जाएंगे। और प्रेजेंटेशन में वही सारे आपको ऑप्शंस यहाँ दिखेंगे, सिलेक्ट क्लास, बस याद रखें कि ड्रॉप डाउन में से ही सिलेक्ट करनी है आपको क्लास, ठीक है। तो मैं सपोज यहाँ पे 9th ले लेती हूँ और सिलेक्ट सब्जेक्ट मेरा दोबारा AI आ जाएगा, सिलेक्ट यूनिट, यूनिट आपको मेरा प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अब आप देखो मैंने जब रिकॉर्डेड लेक्चर में डाला था प्रोग्रामिंग इन पाइथन तो ये अपने आप से लिस्ट में ऐड हो गया, तो मैं इस पे कर लूंगी क्लिक। उसके बाद सिलेक्ट डे, डे वन आ जाएगा, एंटर लेसन नेम, लेसन नेम दोबारा से मेरा प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन पाइथन। और फिर ये यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए नीचे यहाँ पर अपलोड PDF, तो PDF जो आपके पास बना हुआ है उसको आप अपलोड कर सकते हैं इस ऑप्शन से। तो अपलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक टू अपलोड PDF, और फिर जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सा PDF आपको करना है। तो मैं यहाँ पे कोई एक ले लेती हूँ 9th क्लास का PDF विच आई वॉन्ट टू गिव टू द स्टूडेंट्स एज द नोट्स, ठीक है। तो नोट्स के लिए मैं यहाँ पर हैंडबुक इनको दे देती हूँ ओपन, और ये देखिए अभी ये आपका अपलोड होने लगेगा PDF यहाँ पर, इट विल टेक सम टाइम टू अपलोड द PDF, तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो 1 या 2 मिनट लेगा ये, जब ये अपलोड हो जाएगा इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द PDF यू आर अपलोडिंग हियर। सो व्हेन इट गेट्स अपलोडेड आपको यहाँ पे सेव ऑप्शन पे जाना होगा, तो यहाँ से सेव ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी। टीचर्स, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी लीव की रिक्वेस्ट यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं गूगल क्लासरूम पर। तो आपके यही डैशबोर्ड पर, ये जो आपका डैशबोर्ड है इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर लीव रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा जब आप लाइव क्लासरूम पे जाएंगे, ठीक है। तो टुडे और वीकली आता है, यहाँ पे लीव रिक्वेस्ट ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इसमें हम यहाँ पर देखो फ्रॉम डेट, कौन सी डेट से किस डेट तक, टू डेट, ठीक है। फ्रॉम डेट में वो डेट आ जाएगी आपको कब से लीव चाहिए और किस डेट तक चाहिए, और टीचर का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड एड लीव पर आपको क्लिक करना है, एड लीव पे करेंगे तो आपको ये सारे फील्ड्स आपको भरनी है, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम
एंड टू डेट्स. तो फ्रॉम डेट होगी जहां से आपको लीव स्टार्ट करनी है. तो इफ यू क्लिक ऑन दिस, ये एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा. यहाँ पर देखिए ये कैलेंडर का आइकन बना हुआ है. यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट करनी है. सपोज मुझे कल के लिए लीव चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ 29th से, या आज कर लेते हैं 28th से 2 मीन्स किस दिन तक मुझे चाहिए. तो 30th कर लेते हैं. ठीक है, ये देखिए 28th स्टार्टिंग डेट हो गई, 30th दिसंबर आपकी एंड डेट हो गई. यानी 28, 29, 30 तीन दिन की आपको अगर लीव यहाँ पे डालनी है. तो उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में भी डालना है कि सम वर्क. ठीक है, जो भी आपको रीजन यहाँ पे डालना है लीव के लिए. फिर उसको आप जब कंफर्म करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लीव शो हो रही है. तो ये आप बच्चे भी देख सकते हैं, ये आप भी देख सकते हैं कि आपने किस किस दिन की लीव यहाँ पर ली है. तो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज और, इसमें अगर आपको एक ही दिन की लीव लेनी है तो आप क्या करेंगे, एड लीव पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम, जैसे मुझे सिर्फ आज की कल की लीव चाहिए तो 29 स्टार्टिंग होगी और 29 ही एंड होगी. तो ये एक ही दिन की लीव मानी जाएगी आपकी. ठीक है, फिर इसको आप कंफर्म कर देंगे तो ये कंफर्म हो जाएगी. अब इसको हम बैक करेंगे. ओके, नाउ अब हम कर रहे थे टीचिंग रिसोर्सेज. सो टीचिंग रिसोर्सेज में हमने देखा कि हम कैसे कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर ऐड कर सकते हैं. इसी तरह से आप नोट्स भी ऐड कर सकते हैं. नोट्स पे जब आप क्लिक करेंगे, टीचिंग रिसोर्सेज और उसके बाद नोट्स, नोट्स में आपको यहाँ क्या करना है, नोट्स आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं. किसी टीचर के साथ शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं. सपोज यहाँ पे कोई नोट्स है एंड आई वॉन्ट टू शेयर विद समबडी. फॉर एग्जाम्पल मिस प्रीति, यहाँ पर मैं देखती हूँ कोई, क्लिक कर लेते हैं, कोई भी नाम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी. जस्ट अ सेकेंड, देखो मैंने यहाँ पर मिस पूनम का नाम वो किया है और इसको मैंने फिर अप्लाई किया और यहाँ से सिलेक्ट डे, डे वन कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है. आपके पास नोट्स में कोई ऐसा डेटा नहीं है जो शेयर आपने किया हो मिस पूनम के साथ. अब आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाना है, क्रिएट न्यू, और यहाँ पर आपको नोट्स पे क्लिक करना है. अब यहाँ पर क्लास आ जाएगा, क्लास आपको मेंशन करनी है, आपको ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करनी है. सपोज मुझे 8th करनी है क्लास और सब्जेक्ट मेरा है AI एंड देन यूनिट, यूनिट का नाम जैसे आपने अपना रिकॉर्डेड लेक्चर पोस्ट किया था उसी तरह से आपको ये भी करना है. ठीक है, तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन से ही करेंगे. अब यूनिट का नाम अगर यहाँ नहीं आ रहा तो सो यू हैव टू राइट डाउन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और मैंने आपको बताई थी ये बात ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर, जब आप अपलोड कर रहे थे तो यहाँ पर जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिख जाएगा. तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है. ठीक है, आप नीचे चलेंगे तो डे आ जाएगा. डे सपोज आपको 1 करना है तो 1 ड्रॉप डाउन लिस्ट में ही सिलेक्ट करना है. और टाइटल आ गया, टाइटल कुछ भी अभी मैं डाल देती हूँ, ABCD. ठीक है, इट शुड बी लेस देन 40 कैरेक्टर्स. अब आ गया देखो यहाँ पर ऑप्शन, दिस इज इंटरेस्टिंग वन. जब आप नोट्स अपलोड करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो गूगल ड्राइव URL दिया हुआ है और यहाँ पे आपको स्पेस दी हुई है कि आप अपना URL जो है यहाँ पर एंटर कर सकते हैं. अब ये URL क्या है, जब आप गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, अपने नोट्स सपोज आपने सेव करे हुए हैं. ठीक है, सपोज मैं यहाँ जाती हूँ और मैंने अपनी ड्राइव पर कोई नोट्स सेव करे हुए हैं. ठीक है, गूगल ड्राइव पर आप अपनी क्लासेस के, जो आप क्लास को नोट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए यहाँ पर. और फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे कुछ भी डेटा है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ. ठीक है, तो सपोज मैंने ये 9th में कुछ भी है, ये डेटा मुझे सिलेक्ट करना है. ये इस अपलोडेड डॉक्यूमेंट का लिंक आपको ले लेना है, राइट क्लिक करके यहाँ से गेट लिंक ऑप्शन, गेट लिंक पर, और फिर यहाँ से आपको इसका लिंक कॉपी करके जैसे आप देते हैं किसी भी ड्राइव लिंक का, आपको वापस वहीं पर यहाँ पे गूगल ड्राइव URL में पोस्ट कर देना है. तो यहाँ पे आप जब लिंक दे देंगे तो उसके बाद आप पब्लिश पे करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप ये नोट्स का लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप अपने गूगल ड्राइव पर चीजों को सेव करके उसके लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट.
यस, तो हमने देखा कि हम कैसे रिकॉर्ड लेक्चर में जाके बच्चों को यूआरएल प्रोवाइड कर सकते हैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, या फिर कोई और यूट्यूब लिंक्स जो आप बच्चों से शेयर करना चाहते हैं। नोट्स हमने देख लिया, वर्कशीट्स, वर्कशीट भी सिमिलर है। वर्कशीट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्रिएट न्यू का ऑप्शन पे ही जाना है। सिमिलर प्रोसेस है, वर्कशीट, क्रिएट न्यू और वर्कशीट्स। फिर यहाँ पे सेम आ जाएगा, क्लास, सब्जेक्ट, यूनिट, डे, टाइटल, ठीक है। ड्रॉप डाउन से ही आपको सिलेक्ट करना है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए गूगल ड्राइव लिंक आ गया है, तो आप वर्कशीट को, जैसे हमने नोट्स प्रोवाइड किए थे, वर्कशीट भी आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप गूगल ड्राइव पर अपने अपने अपलोड किया हुआ है तो यहाँ यूआर लिंक डाल देंगे। और एक और तरीका है, अगर आप गूगल ड्राइव पर नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं असाइनमेंट, तो आप अपलोड पीडीएफ, यहाँ से ये ऑप्शन से आप क्लिक करके पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, जो वर्कशीट आप बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर आप पब्लिश पे कर देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी, वर्कशीट बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद है असाइनमेंट। असाइनमेंट में देखिए सेम प्रोसेस है, असाइनमेंट, क्रिएट न्यू और यहाँ पे वर्कशीट। अगर आपको ऐसे देना है ऐसे दे सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए जैसे आप यहाँ क्रिएट न्यू करते हो, ठीक है, सपोज क्रिएट न्यू में आपने वर्कशीट किया, तो आप यहाँ से क्लास सेक्शन चूज कर सकते हैं, करना ही है आपको, तो ये तो आप कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप कोई नोट्स देखना चाहते हो किसी पर्टिकुलर सेक्शन का, कि हमने किस क्लास और किस सेक्शन में और किस सब्जेक्ट में उनको नोट्स प्रोवाइड किए थे या नहीं किए थे, तो मैं जैसे देख लूंगी 9th में बी सेक्शन में क्या मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, नो डेटा अवेलेबल, रिकॉर्डेड लेक्चर किए थे, यस आई कैन सी दैट, वर्कशीट नहीं है, असाइनमेंट नहीं है। जो भी आप पोस्ट करेंगे वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यू हैव टू सिलेक्ट द क्लास एंड द सेक्शन एंड द सब्जेक्ट ओवर हियर। ऑलराइट, तो ये तो हो गए आपके ये चार और पांच ऑप्शंस टीचिंग और रिसोर्सेज में। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे देखिए असाइनमेंट यहाँ से जो हमने चूज किया था उसमें, तो आप क्या कर सकते हो, कोई पीडीएफ दे सकते हो उनको असाइनमेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ पर असाइनमेंट खुद क्रिएट करना, तो क्रिएट असाइनमेंट भी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे टीचिंग रिसोर्स के बाद सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है आपका असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में जब मैं जाऊंगी तो आप देखोगे यहाँ पे शेड्यूल्ड, अंडर इवैल्यूएशन और कंप्लीटेड, तीन आ रहे हैं ऑप्शंस। तो शेड्यूल्ड क्या है, अभी कुछ भी शेड्यूल नहीं है, नो एक्टिव असाइनमेंट्स, बिकॉज मैंने अभी कोई असाइनमेंट यहाँ पे पोस्ट नहीं किया है। तो अब हम सीखेंगे कि यहाँ पर हम असाइनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं खुद का अपना। ओके, लेट्स विल सी दैट।